अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इस ब्रह्मांड की सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे ज्यादा ताकतवर मशीन कौन सी है, तो आप सोच में पड़ जाओगे कि भला इस अरबों लाइट ईयर्स में फैले असीम ब्रह्मांड में सबसे ताकतवर मशीन कौन सी हो सकती है। पर अगर आप गहराई से सोचें तो आप पाओगे कि जिस मशीन की मैं बात कर रहा हूँ वो खुद आपके शरीर के अंदर मौजूद है, जिसे आप मस्तिष्क, दिमाग या ब्रेन कहते हो। हर रोज 6200 बार सोचने वाली और 100 अरब से ज्यादा बार शरीर को संकेत देने वाली ये मशीन इस ब्रह्मांड की सबसे जटिल चीज है। टाइप 0 से लेकर के टाइप 5 तक की हर सभ्यता और हर जीव के अंदर मौजूद ये चीज हमारी इंटेलेक्ट और कॉन्शियसनेस के लिए जिम्मेदार है, जिसकी मदद से हम कुछ सोच पाते हैं। प्राचीन युग में दिमाग के ऑपरेशंस को समझ पाना और उन्हें साइंस लैंग्वेज में डिकोड करना बहुत मुश्किल काम था, पर आज हमारे पास आधुनिक गैजेट हैं जो दिमाग की पूरी 3D इमेज बना करके उसके फंक्शंस और काम करने के तरीके को समझ सकते हैं। पर इतना सब होने के बाद भी हमारे शरीर की सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन की बहुत सी बातें हैं जिन्हें हम आज तक समझ नहीं सके हैं। हमें नहीं पता है कि कैसे कुछ लोगों का दिमाग पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर सकता है और बहुत से लोग इसे अपने पूरे जीवन में महसूस नहीं कर पाते हैं। हम नहीं जानते हैं कि हमारे अंदर जो कॉन्शियसनेस यानी चेतना है वो एक मशीन भला कैसे कंट्रोल करती है। क्यों हम कई बार अपने पैरों की पदचाप यानी फुटस्टेप्स की आवाज नहीं सुन पाते हैं, बल्कि किसी और की हल्की सी आहट भी हम तुरंत सुन लेते हैं। किसी लैंग्वेज को सीखते वक्त हमारा दिमाग कैसे काम करता है और कितना डेटा स्टोर कर सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिमाग की एक ऐसी सैर पर लेके जाऊंगा जहां आप अपने दिमाग के बारे में वो बातें जानोगे जो आज से पहले आपने कभी सोची भी नहीं थी। तो तैयार हो जाइए एक बार फिर साइमित के साथ साइंस की अद्भुत यात्रा के लिए। ये तो आप बचपन से ही जानते हैं कि मनुष्य का मस्तिष्क यानी ब्रेन नर्वस सिस्टम का एक कमांड सेंटर होता है, जहां यह शरीर के सेंसरी ऑर्गन से आने वाले सिग्नल्स को रिसीव करता है और उनकी जानकारी का आउटपुट मांसपेशियों यानी मसल्स को देता है, जिस वजह से आप अपने हाथों को और पैरों को हिला पाते हैं और हर काम कर पाते हैं। पर क्या आपको पता है कि आपके दिमाग को ये काम करने के लिए सबसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है? दिमाग में मौजूद 86 अरब से ज्यादा नर्व सेल्स यानी न्यूरॉन्स लगातार इलेक्ट्रिक सिग्नल को रिसीव करते हैं और उन्हें सेंड करते हैं। ये सिग्नल्स बहुत छोटे से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं, इसलिए आपके शरीर की 20% ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। शरीर में सबसे ज्यादा ऊर्जा केवल आपका दिमाग ही इस्तेमाल करता है। इतनी ऊर्जा के प्रयोग के कारण कई बार आपने महसूस किया होगा कि जब आप ज्यादा सोचते हैं तो जल्दी ही आपको थकान महसूस होने लगती है। खैर, ये तो एनर्जी की बात थी। अब आगे मैं आपको दिमाग से जुड़ी एक ऐसी रिसर्च की ओर लेके जाऊंगा जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया था। पहली बार वैज्ञानिकों ने देखा था कि पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे दिमाग को प्रभावित करता है। आमतौर पर माना जाता था कि कुछ जीव पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से अपने रास्ते ढूंढते हैं और उसी से वे एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। पर हाल में ही हुई एक रिसर्च में वैज्ञानिकों को पता चला है कि केवल दूसरे जीव ही नहीं बल्कि हम इंसानों पर भी पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का खास प्रभाव पड़ता है। वैज्ञानिकों ने इसके प्रभाव को देखने के लिए 34 लोगों को एक बंद डार्क कमरे में आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड के सामने बैठाया, फिर उनके दिमाग को स्कैन किया। 34 में से 4 लोगों पर जो इसके रिजल्ट देखने को मिले वो पहली बार इसकी पुष्टि करते थे कि इंसान का दिमाग भी पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करता है। उन 4 लोगों के रिजल्ट से पता चला कि जब भी उनका दिमाग मैग्नेटिक फील्ड के आसपास आता है तो उनकी दिमागी तरंगे घटने लगती हैं, जिससे वैज्ञानिक पता कर पाते हैं कि उनका दिमाग एक खास प्रकार के सिग्नल को रिसीव कर रहा है जो वास्तव में एक मैग्नेटिक फील्ड है। हालांकि ये रिसर्च एकदम नई है और वैज्ञानिकों के अनुसार ये केवल बहुत कम लोगों में होता है, पर ऐसा क्यों होता है इसके पीछे की वजह अभी तक साफ नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे दिमाग में छोटे से मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं जिनके कारण हम पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित हो जाते हैं। ये रिसर्च ये संकेत करती है कि अगर भविष्य में कोई मानव किसी दूसरे ग्रह पर बसना चाहेगा और वहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी की तुलना में ज्यादा होगा तो उससे उसके दिमाग पर कुछ ना कुछ असर जरूर पड़ सकता है। पर दिमाग केवल यहीं तक वैज्ञानिकों को हैरान नहीं करता है। एक नई रिसर्च से पता चला है कि आपका दिमाग कई बार बहुत तरह की आवाजों को खुद से फिल्टर करता है, जिस वजह से आप बहुत सी आवाजों को सुन नहीं पाते हो। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि आप अपने पैरों की पदचाप यानी चलते हुए पैरों की आवाज और फुटस्टेप्स को नहीं सुन पाते हो। वहीं जब दूसरा व्यक्ति आपके कमरे में हल्के से पैरों से भी एंटर करता है तो आप तुरंत उसकी आहट महसूस कर लेते हो। आखिर ऐसा क्यों होता है और क्यों हमारा दिमाग एक नॉइस कैंसिलेशन फिल्टर की तरह काम करता है, आइए जानते हैं। हाल में चूहों पर हुई रिसर्च से पता चला है कि चूहों का ब्रेन उसके पैरों की पदचाप यानी फुटस्टेप्स की आवाज को फिल्टर कर देता है, जिससे वह अपने आसपास के दूसरे जीवों की आवाज और उनकी पदचाप को आसानी से सुन पाता है और अपने आप को शिकारियों से बचाता है। चूहे के दिमाग में ऐसा तब होता है जब मोटर कॉर्टेक्स में मौजूद सेल्स ऑडिटरी कॉर्टेक्स के साथ एक खास तरीके से जुड़ जाते हैं। मोटर कॉर्टेक्स
ब्रेन का वो हिस्सा होता है जो आपके मूवमेंट को कंट्रोल करता है और ऑडिटरी कॉर्टेक्स साउंड को कंट्रोल करता है। चूहों और मानवों का ब्रेन लगभग एक जैसा ही होता है, इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद इसी वजह से हमें भी अपने फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई नहीं देती है। पर हमारा ब्रेन केवल पैरों की आवाज तक ही सीमित नहीं है, ये आवाज को फिल्टर करके आपको सोने में भी मदद करता है और सपनों को भी कंट्रोल करता है। ज्यादातर हमारा ब्रेन बेकार की आवाजों को फिल्टर करके केवल काम की आवाजों को सुनने में मदद करता है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारे अंदर जो चेतना यानी कॉन्शियसनेस है वो आखिर किस वजह से है और क्यों वैज्ञानिक इसे आज तक सही से समझ नहीं सके हैं। लाखों सालों से मानव यही सोचता आया है कि आखिर वो कौन है, उसका आधार क्या है, क्या वो एक मशीन है जो एक खास प्रोग्राम के कारण दिमाग से चलती है या वो इससे भी ऊपर है, उसके अंदर उठने वाले हजारों विचार और इमोशंस किसके द्वारा पैदा होते हैं और मानव का मन यानी माइंड क्या है और क्यों वो वैज्ञानिकों की समझ से परे है। दोस्तों, कॉन्शियसनेस और चेतना को अगर आसान भाषा में समझा जाए तो ये वो शक्ति होती है जिसकी मदद से आप अपने आसपास के वातावरण को समझ पाते हो। आपको महसूस होता है कि आप कहाँ हैं और आप क्या कर रहे हैं। आपका मन आपके अंदर हजारों विचार पैदा करता है और उन्हीं विचारों को समझकर आप आगे कुछ निर्णय ले पाते हो। कॉन्शियसनेस को या तो हम विज्ञान की मदद से समझने की कोशिश करते हैं या फिलॉसफी से समझने की कोशिश करते हैं। दोनों ही तरीकों के बावजूद जब से मानव इस पृथ्वी पर है आज तक इसे समझ नहीं सका है। वैज्ञानिक हमेशा मन और ब्रेन के अंदर ही उलझे रहते हैं। हाल में ही हुई एक रिसर्च में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि कॉन्शियसनेस हमारे दिमाग के सामने वाले हिस्से जिसे फ्रंटल पोल कॉर्टेक्स कहा जाता है उस पर डिपेंड करती है। इंसानी दिमाग का यही हिस्सा हमें जानवरों से अलग करता है और ज्यादा एडवांस बना देता है। हम जानवरों की तुलना में ज्यादा सोच पाते हैं और उनसे बेहतर काम कर पाते हैं। पर कुछ वैज्ञानिक इस रिसर्च से एकदम अलग हटकर ये सोचते हैं कि इंसान के अंदर जो चेतना है वो वास्तव में मैटर का फंडामेंटल नियम है, जिस कारण ब्रह्मांड के सबसे छोटे पार्टिकल इलेक्ट्रॉन में भी कुछ हद तक कॉन्शियसनेस होती है। ब्रह्मांड में मौजूद हर वस्तु में मन यानी माइंड मौजूद होता है, जिस कारण वो समय के साथ साथ बदलती रहती है और ब्रह्मांड चलता रहता है। हालांकि एक फिलोसॉफिकल थ्योरी है जिसे पैनसाइकिज्म कहा जाता है और इसका आधार हिंदू धर्म के उपनिषदों पर ही है, जिसमें हर चीज के अंदर आत्मा के अस्तित्व की बात की जाती है और आत्मा को ही कॉन्शियसनेस का आधार कहा जाता है। अद्वैत वेदांत में इसके बारे में आप बहुत गहराई से पढ़ सकते हैं। हालांकि इतना कुछ जानने के बाद भी हम कॉन्शियसनेस और चेतना को 1% तक नहीं समझ सके हैं। ये आज भी हमारे लिए एकदम नई है। अगर हम इसे वैज्ञानिक तरीके से कभी समझ पाए तो शायद हम पूरे ब्रह्मांड को ही बदल दें, पर यह अभी तो केवल एक सपना ही है। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और ह्यूमन ब्रेन को थोड़ा कंप्यूटर साइंस से समझते हैं कि यह कितना डेटा स्टोर कर सकता है और आपको किसी भाषा को समझने के लिए कितनी मेमोरी की जरूरत पड़ती है। अगर आपको अपनी मातृभाषा यानी नेटिव लैंग्वेज को पूरी तरह से समझना है तो इसके लिए आपको केवल 1.5 MB डेटा की जरूरत पड़ेगी। हालांकि हमारा ब्रेन कंप्यूटर की तरह बाइनरी में डेटा स्टोर नहीं करता है, बल्कि उससे भी ज्यादा 26 अलग अलग तरीकों से डेटा को स्टोर कर सकता है। तो अपनी नेटिव लैंग्वेज को पूरा सीखने के लिए आपको केवल 1.5 MB यानी 1,25,00,000 बिट्स डेटा की जरूरत पड़ेगी, जिसमें आप अपनी भाषा के सभी शब्दों को स्टोर कर पाओगे। और आपका ब्रेन इतना एडवांस है कि ये केवल यहाँ शब्दों के ग्रामर के बिना ही उनके मीनिंग को स्टोर करके आपको आपकी मातृभाषा में परफेक्ट बना देगा। अब आप कितने परफेक्ट बन पाओगे ये आपके दिमाग की प्रोसेसिंग और मेमोरी पर निर्भर करता है। इंसान बेस्ट कंडीशन में एक दिन में केवल 1000 से 2000 बिट्स तक ही डेटा स्टोर कर सकता है और सबसे खराब कंडीशन में केवल 100 बिट्स ही। अब आपको अगर अपनी भाषा में पूरा परफेक्ट बनना है तो आपको 1,25,00,000 बिट्स याद करने पड़ेंगे, जो आपका दिमाग सालों साल के अभ्यास के कारण स्टोर भी कर लेता है। सबसे कमाल की बात जो है वो ये है कि आपका दिमाग जिस डेटा को स्टोर करता है वो किसी रोबोट से एकदम अलग होता है। आपका दिमाग आपकी मातृभाषा के ग्रामर और नियमों की जगह शब्दों के मतलब स्टोर करता है, इसलिए आप ज्यादा क्रिएटिव तरीके से मशीन से बेहतर लिख सकते हो। इसी वजह से कई बार एक ही शब्द के दो मतलब होने के बाद भी हम उसे आसानी से समझ लेते हैं। वहीं पूरे दिमाग की स्टोरेज की बात करें तो आपका दिमाग एक अनुमान के मुताबिक करीब 1 PB तक डेटा को स्टोर कर सकता है। ये इतना ज्यादा डेटा है कि इसमें आप 1 GB के 10,00,000 मेमोरी कार्ड्स को भर सकते हो। अगर आप इस डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए कोई कंप्यूटर बनाते हो तो उसे ऑपरेट करने के लिए ही आपको एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन की जरूरत पड़ेगी। दरअसल इतनी मेमोरी को प्रोसेस करने के लिए आपको 1 GW पावर की जरूरत पड़ेगी, जो इतनी ज्यादा है कि इससे आप दिल्ली जैसे शहर में 5,00,000 घरों में बिजली की डिमांड को पूरा कर सकते हो। पर हमारा दिमाग केवल 20 W पावर का इस्तेमाल करके ही इतनी मेमोरी को पूरा प्रोसेस कर सकता है, जिससे पता चलता है कि मानव मस्तिष्क इस ब्रह्मांड की सबसे अनोखी चीज है, जिसे हमने अगर पूरा समझ लिया तो हम अपनी सभ्यता को पूरा बदल सकते हैं।
अब तक मैंने दिमाग के बारे में आपको जो कुछ भी बताया है, ये हमारी ब्रेन सीरीज का पहला पार्ट है। धीरे धीरे मैं आपको ब्रेन से जुड़ी और रिसर्च और स्टडीज लाता रहूंगा जो पक्का आपका दिमाग तेज कर देगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये ब्रेन से जुड़ा वीडियो पसंद आया होगा। तो जल्दी से जाइए, ढेर सारे कमेंट कीजिए और सवाल पूछिए। दिमाग से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए विज्ञानम.com पर विजिट जरूर कीजिए। इसके साथ साथ वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मैं आप सभी मित्रों से मिलूंगा अगले सप्ताह एक और नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। आपका दोस्त शिवम।